माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड शीट एंड असाइनमेंट्स। सो टोटल आई थिंक आई गिव यू 4 असाइनमेंट्स एंड 5 शीट प्लस 4 ऑटोकैड शीट। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ फाइल फॉर शीट वेयर यू अरेंज द शीट नंबर 1 टू शीट नंबर 9। टोटल 9 शीट इज देयर। सो ऑल द इंडेक्स एंड सर्टिफिकेट एंड योर नेम स्टिकर ऑल थिंग्स आई ऑलरेडी शेयर इन द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ग्रुप। सो यू जस्ट टेक द प्रिंट आउट, राइट डाउन योर इंफॉर्मेशन, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन इट and prepare the file. Okay, so all these assignments and sheet and your micro project report and a particular sheet for the micro project you have to submit till 10th of January. Okay, after that there is no submission, and if anyone not submitted their sheets, assignments and micro project report, so he should consider as absent in the examination too. Okay, and he consider as 0 marks. So all the students means from 5 one department is calling in the institute, and whatever your doubts regarding any subject, then you concern a particular subject teacher and you can discuss your problem regarding the subject. Okay, that's why. And this is also you have to submit your assignments, sheet, manual, whatever is there, hard copy to your subject teacher. That's why this schedule will be arranged. Okay, so maximum student come and complete your submission. Okay, from tomorrow I think your micro project oral is also started, so prepare for your micro project oral. The micro project oral is totally based on the your micro project topic, and the question is asked in the group wise, means at a time 8 student is there from the same group. Okay, so all the group members can give the answer for the topic. Okay, so a student, sir? You have any doubt? Haan, boliye. सर, सबमिशन ऑनलाइन हो रहा है? नहीं, सबमिशन इज बोथ मोड, इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बोथ मोड इज देयर. ओके, यू कैन सबमिट योर शीट, रिपोर्ट्स एंड असाइनमेंट थ्रू द ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, बोथ मोड. हाँ बोलिए. सॉरी बट आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है सर. 5 सीट और 4 असाइनमेंट देना ओनली. हाँ देखिए, अभी कल से आप लोगों का शेड्यूल है ना, फर्स्ट ईयर के जितने भी टोटल 5 ब्रांच हैं, तो 5 डे का शेड्यूल है. आप लोगों का आई थिंक 6 को है कंप्यूटर का कॉलेज में. सर हमें कब सबमिशन करना है? नहीं, आपको सबमिशन मैंने बताया ना, सबमिशन आप टिल 10th जनवरी तक कर सकते हैं. आफ्टर 10th जनवरी आप लोगों का सबमिशन एक्सेप्ट नहीं होगा फ्रॉम माय साइड. ठीक है सर? ओके सर. जिसके पास चार्ट है तो ऑनलाइन सबमिशन किया तो चलेगा क्या चार्ट का? हाँ चलेगा. इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू यू कम टू इंस्टीट्यूट, देन यू कैन सबमिट ऑनलाइन. ओके सर. ऑनलाइन मेल आपके मेल पे सेंड करना है क्या? हाँ बेटा, अभी आज शाम को मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा फॉर दी सीट, फॉर दी असाइनमेंट
सीट एंड असाइनमेंट की एक ही लिंक रहेगी और माइक्रो प्रोजेक्ट का सेपरेट लिंक रहेगा, तो आपको जस्ट पीडीएफ बना करके उसको अपलोड करना रहेगा, ठीक है सिर्फ ना? ऑनलाइन में लेकिन डिलीवरी है ना हाँ सॉरी, वन वन बाई वन पूछिए, अनुष्का सिर्फ सृजन ऑनलाइन किया थोड़ी है ना तो चलेगा। मेरे समझ में नहीं आ रहे, दोनों लोग एक साथ नहीं, वन बाई वन पूछिए सर। क्वेश्चन। चार्ट किस पे ड्रॉ करना है, कार्ड शीट पे? क्या कार्ड आपने शीट जो पे ही ठीक चार्ट ड्रॉ करना है, कार्ड है शीट सर, पे। ठीक है सर। सर वो रेड शीट आपसे लेने के लिए कहा है, उस पर क्या स्टिक करना है? सर क्या पूछा? जो मैंने इंडेक्स और सर्टिफिकेट दिया उसके लिए पूछ रहे क्या हर्षदा? रेड और रेड शीट है ना, उस पर क्या स्टिक करना है? उस पे जो मैंने नेम प्लेट दिया है ना आपका, देखिए सबसे लास्ट में मैंने नेम शीट दिया है, वो पेस्ट करना है। फिर उसके बैक साइड में आपको इंडेक्स और सर्टिफिकेट पेस्ट करना है। तो सर ऑल इंडेक्स थ्री में डेट फॉर्मेट कौन सी ऑलरेडी मैंने दे, निकालनी है? सर हाँ इंडेक्स में जो डेट है ना वो डेट मैं शेयर करने वाला हूँ आपको। हाँ वो जो सर, फिफ्थ आज सर नंबर की जल्दी शेयर शीट, कीजिएगा। नहीं आज ही शेयर होगा ना, टुडे आई विल शेयर। जो फिफ्थ सर नंबर की शीट है वो सिर्फ प्रिंट निकाल के उधर लगानी है कि ड्रॉ करना है? नहीं, ऑटो कैड की जो सीट है वो आपको जस्ट प्रिंट आउट करके लगानी है, प्रिंट आउट करना है और वो अपनी सिर्फ इंफॉर्मेशन लगानी लिखनी। A4 साइज सॉरी, सर, A4 साइज की प्रिंट चलेगी ना हाँ, A4 साइज की प्रिंट लेनी है। सर? वो प्रिंट और रेड शीट पर लगानी है क्या? नहीं, शीट पे नहीं लगानी, वो सेपरेट पीछे अटैच करना है। जैसे आप 1 to 5 सीट हो जाएगी आपके पास, उसके बाद ऑटोकैड की A4 की शीट अटैच करनी है। सब फाइल टाइप ना, फाइल देखना। सॉरी हूँ, हाँ फाइल फाइल जैसा ही बनाना है ना, जैसे रेड कलर की चार्ट शीट या फिर जो भी कलर के अवेलेबल है, आप उसके पीछे पहले 1 to 5 सीट लगाएंगे, कार्ड शीट लगाएंगे, उसके पीछे फिर आप A4 साइज का सीट लगाएंगे ऑटोकैड वाला। ओके सर। सर हाँ बोलिए अनुष्का। माइक्रो प्रोजेक्ट असाइनमेंट और शीट सिर्फ ऑनलाइन सबमिट किया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना बेटा। सर चार्ट भी कर सकते हैं ऑनलाइन सबमिट? हाँ चार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि अगर एक्चुअली 50% शीट हमको शो करनी है, तो जो इंस्टीट्यूट के आसपास के स्टूडेंट हैं दे जनरली पॉसिबल दे कैन कम एंड सबमिट, बिकॉज आपने सीट ड्रॉ किया है घर पे रख के, तो आपको कुछ फायदा है नहीं, है ना? ये ऑनलाइन उनके लिए बोला जा रहा है जो इंस्टीट्यूट से काफी दूर है और उनको पॉसिबल नहीं है इंस्टीट्यूट में आने के लिए। एटलीस्ट हमको 50% जो सीट्स रहती है वो कमेटी को शो करनी रहती है कि ये सबमिशन हुआ है हमारे पास, ठीक है ना? तो जो भी इंस्टीट्यूट के पास है, मतलब 10 to 15 किलोमीटर के रेंज में भी है, वो भी उनको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ज्यादा दूर है तो दे कैन सबमिट ऑनलाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। ओके एनी अदर क्वेश्चन? सर आपको ऑल माइक्रो प्रोजेक्ट सब्जेक्ट, का और, हाँ आदित्य बोलिए। सर ऑल सब्जेक्ट का ऑनलाइन भी करना है ना? हाँ ऑनलाइन करना है, मतलब ऑनलाइन कंपलसरी है ना सबको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर से पूछिए, है ना? कि अगर वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन करना है तो देन यू कैन ऑनलाइन, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सभी लोग ऑनलाइन करते हैं तो दैट इज बेटर, एक ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है ना? तो ये है कि जैसे आपका शीट या मैनुअल प्रिपेयर हो जाते हैं, यू कैन प्रिपेयर पीडीएफ फॉर दैट एंड सबमिट ऑनलाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपने ठीक शीट है बनाई है तो देन यू कैन इजिली क्रिएट द पीडीएफ ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर। मतलब सर मैं ग्राफिक का ऑफलाइन करूँ तो चलेगा ना? हाँ डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू।
एनीथिंग एल्स? सर असाइनमेंट 4 ही है ना? हाँ, 4 असाइनमेंट है, वही कंप्लीट करने हैं आपको। ओके, सो एज आई टेल यू, टुडे इज लास्ट लेक्चर फॉर दिस सब्जेक्ट। आफ्टर दैट योर माइक्रो प्रोजेक्ट ओरल एंड प्रैक्टिकल ओरल इज स्टार्टेड। सो आई टॉक अबाउट द माइक्रो प्रोजेक्ट ओरल। ओके, सो माइक्रो प्रोजेक्ट ओरल इज कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। ओके, सो आपसे अराउंड 2-3 क्वेश्चन होगा, 2-3 क्वेश्चन अबाउट योर माइक्रो प्रोजेक्ट टॉपिक, ठीक है ना? तो एक ग्रुप, पूरा वन ग्रुप एक साथ रहेगा, और जितने भी लोग एक टाइम में ओरल दे रहे हैं, व्हाट एवर द स्टूडेंट गिविंग दियर ओरल, दियर फ्रंट कैमरा मस्ट बी ऑन ड्यूरिंग दी ओरल, ठीक है? जैसे 8 लोग हैं, इफ देयर इज 8 पर्सन, देन 8 पर्सन ऑन दियर कैमरा एट अ टाइम, एट द टाइम ऑफ ओरल, ठीक है? कैमरा ऑन रखना कंपल्सरी है ड्यूरिंग दी ओरल, ठीक है? ओरल के टाइम पे किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, और ओरल के टाइम पे आपको अपनी माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने साथ में रखनी है, ठीक है ना? क्योंकि आपका ओरल माइक्रो प्रोजेक्ट ओरल अब 5th से स्टार्ट है, कल से स्टार्ट है, तो वो आप अपने साथ रखिए ड्यूरिंग दी ओरल, ठीक है? ताकि ये पता चले सभी का माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट है। ओके, सेकेंड थिंग कि जैसे आपका क्या कहते हैं कि कैमरा ऑन किया, तो बीच बीच में कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। जितनी देर आपका ओरल स्टार्ट है, आपका क्या कहते हैं कि कैमरा ऑन रहना चाहिए, ठीक है? और मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन ही रहेगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है? क्वेश्चन कॉमन भी हो सकता है, यू कैन आंसर भी सेपरेटली। ओके, ठीक है? क्योंकि ये क्या कहते हैं, ऐसा है, बिकॉज दिस इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस, ठीक है? आपका ग्रुप ओरल हो रहा है, तो अगर मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ, इफ देयर इज आई आस्क द क्वेश्चन, देन यू हैव टू फर्स्ट से आई वांट टू आंसर, ओके, देन आई से यस यू कैन। तो आप ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि 8 पर्सन है, तो 8 पर्सन में से मे बी 2-5 को आंसर मालूम है, तो सभी एक साथ बोलेंगे, तो देयर इज मस्ट बी कंफ्यूजन हु इज आंसरिंग। ओके, सो वन बाय वन यू शुड आंसर। दिस इज अबाउट द माइक्रो प्रोजेक्ट ओरल। ओके, एंड अबाउट द प्रैक्टिकल ओरल। सो प्रैक्टिकल ओरल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द, योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी ओरल। ओके, सेम प्लेटफॉर्म, गूगल मीट प्लेटफॉर्म इज देयर, एंड इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अ ग्रुप ऑफ 3 मेंबर, ओनली 3 मेंबर एट अ टाइम गिव देयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ओके, इन द माइक्रो प्रोजेक्ट टोटल ग्रुप मीन्स 8 मेंबर ग्रुप इज देयर, इन द प्रैक्टिकल ओनली 3 मेंबर, 2-3 मेंबर गिव देयर practical examination, and in the practical examination the number of question means 5-6 question asked to a student, ठीक है? किसी भी एक student से 5-6 question पूछे जाएंगे, okay? And you have to answer them, and whatever your performance, your correct answer, your incorrect answer, the base on your answering, your mark will be considered. Okay, so any doubt regarding the micro project oral and the practical oral? Practical oral ka batao na sir fir se. Dekho, in the practical oral, at a time only 2-3 student is there, and during the oral they on their camera, and 5-6 question ask to the one single student, ठीक है? एक स्टूडेंट से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर के बेस पे ही उसकी मार्किंग होगी,
ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा ये थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम है। और प्रैक्टिकल एग्जाम अगर ऑफलाइन होता तो आप लोगों को ड्राइंग ड्रॉ करनी होती, लेकिन ये ऑनलाइन है, देन यू कैन जस्ट ड्यू दी ओरल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है ना। तो ये जो जैसा कह गए थे कि माइक्रो प्रोजेक्ट में क्या है कि जो आपका माइक्रो प्रोजेक्ट का टॉपिक है उसी टॉपिक के बेस पे आपसे क्वेश्चनिंग रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ओवरऑल सब्जेक्ट के बेस पे आपसे क्वेश्चनिंग रहेगी। फर्स्ट यूनिट टू फिफ्थ यूनिट किसी भी यूनिट से आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। ओके सो टुडे इफ यू वांट टू रिकॉल एनी टॉपिक, या आप चाहते कि कोई टॉपिक मैं रिवाइज करूं, देन यू कैन टेल मी दिस टॉपिक आई रिपीट। सर, आपने जो पीडीएफ सेंड की है ऑटोकैड की, वो भी ड्रॉ करना है क्या? नहीं बेटा, उसको ड्रॉ नहीं करना है। यू जस्ट टेक द प्रिंट आउट दैट पीडीएफ एंड राइट योर इंफॉर्मेशन, लाइक योर रोल नंबर, योर नेम, योर शीट नंबर एंड योर ब्रांच इन द आपने गिवन प्लेस। जितने पीडीएफ सेंड किए उतने सब ना ऑटोकैड के? हाँ सॉरी, टोटल 4 PDF इज दिए, तो ऑल 4 PDF यू कैन टेक द प्रिंट आउट एंड ईच पीडीएफ हैज अ सेपरेट स्पेस फॉर योर नेम, रोल नंबर एंड शीट नंबर एंड ब्रांच। सो यू हैव टू राइट योर इंफॉर्मेशन एंड अटैच दी ऑटोकैड ड्रॉइंग टू योर शीट्स फाइल। A4 साइज के पेज पर प्रिंट चलेगी ना? हाँ, A4 साइज के पेपर पे ही प्रिंट लेना है ऑटोकैड का, बाकी के लिए आपको शीट अवेलेबल है, कार्ड शीट इधर इंस्टीट्यूट से दिया गया है, बाकी जो शीट्स है वो आपको ड्रॉ करनी है। बस ऑटोकैड के ही प्रिंट लगाने हैं ना? हाँ, ऑटोकैड का ही प्रिंट आउट लगाने का ओके सर। सर है। हाँ बोलिए ओम। सर प्रैक्टिकल और वो जो ओरल की एग्जाम होगी उसमें आपने जो कुछ भी हमको सिखाया है वो उसमें से ही पूछा जाएगा ना? हाँ, उसी में से क्वेश्चनिंग होगी। ओके सर। सो एनी अदर क्वेश्चन देन यू कैन आस्क रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, बिकॉज ऑलमोस्ट करिकुलम इज कंप्लीटेड एंड यू जस्ट हैव टू सी सर हम 10 तारीख तक कंप्लीशन मतलब सबमिशन कर सकते हैं ना? हाँ, 10th जनवरी तक आप कंप्लीट कर सकते हैं योर सबमिशन। आफ्टर 10th जनवरी जिनका भी 10th जनवरी तक सबमिट नहीं होगा, एज अ एब्सेंट कंसीडर होगा उसका प्रैक्टिकल भी और माइक्रो प्रोजेक्ट का ओरल भी। ठीक ओके है, सर। मे बी आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और ओरल एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट हो जा रहा है, लेकिन आपको शीट और रिपोर्ट और व्हाट एवर यो डेटा जो शुड सबमिट टू मी बिफोर 10th जनवरी। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सर, बोलिए बेटा। ड्राइंग बुक तो ड्रॉ किए हैं, वो भी सब है क्या? उसका भी सबमिशन हाँ करना हाँ वो असाइनमेंट है ना, जो ड्राइंग बुक में आपने ड्रॉ किया है दैट इज असाइनमेंट, दैट ऑल्सो सबमिटेड।
ठीक है ना, वो असाइनमेंट सबमिट करना है, शीट सेपरेट सबमिट सबमिट करना है सर, वो सबमिट हाँ हर्षदा फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन, आपका वॉइस क्लियर नहीं है हर्षदा। सर आपने जो असाइनमेंट दिए वो सबमिट करने के लिए नीचे नेम ऐड करना होगा का हमारा? हाँ, जो असाइनमेंट दिया है वो ड्राइंग बुक पे ड्रॉ करना है, और जो शीट्स दिया है वो कार्ड शीट पे ड्रॉ करना है जो कि आपको इंस्टीट्यूट पे मिला है। असाइनमेंट और कार्ड शीट दोनों सबमिट करना है। सर आपने जो शीट ड्रॉ करने के लिए कहा है उस पर क्वेश्चन भी ड्रॉ करने है क्या? क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन का प्रिंट आउट लगा सकते हैं आप, अगर ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ करिए, नहीं तो आप क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है उसका प्रिंट आउट कर सकते हैं, प्रिंट आउट पेस्ट कर सकते हैं। सर ओके सर हाँ बोलिए। मतलब 10 तारीख तक माइक्रो प्रोजेक्ट असाइनमेंट बुक और शीट सबमिट करने हैं ना? हाँ, सभी कुछ सबमिट करने हैं 10 तारीख तक। So now today I will share a video which is helpful for your initial start lettering. Okay, where in this video you can learn lettering, how you write the letters and number. Before starting engineering drawing as a subject to study, let us understand very briefly what we mean by lettering in engineering drawing. Lettering specifies the characteristics and dimensions for writing the letters and numerals on the drawing sheet when we are preparing an engineering drawing using technical drawing standards. It applies to writing with the help of stencils, computer printing, and freehand writing. It is a standard and hence it is country specific. It is about using the correct proportion of the dimensions of the letters and the layout with respect to the size of the drawing. In this video, we will explain the Bureau of Indian Standards guidelines on lettering to be used in technical drawings. Let us define some parameters. For example, H is the height of the letters, D is the line thickness. Two standard ratios of H over D are followed, H over D equal to 14 for lettering A, H over D equal to 10 for lettering B. W is the width of the letters except for the letter I. The height to width ratio in most cases is kept as 6 over 5, or width is roughly 83% of the height of the letter. A is the distance between two letters in a word. E is the minimum spacing between two words.
B is the minimum spacing between the base lines of two labels or two lines. This table shows some possible dimensions of the different parameters as defined earlier once the letter height H is selected from the top row. So for example, this is for lettering type A and the letter height can be of these dimensions. Suppose we select 7 mm as the height of the letter, then other parameters will be of these dimensions as shown in this table. Similar table is available for lettering type B, where H over D ratio is 10. It is up to us to select the letter type A or B and the height H. Then all other dimensions are calculated from the table. Letter height H can be selected from this row, the top row. Main titles are generally 7 mm in height or greater, depending upon the drawing sheet size. Subtitles can be written in 5 mm height or greater. Notes and dimension figures in 3.5 mm or greater. Inclined letters lean to the right at 75 degrees with the horizontal. Capital letters are always preferred to small letters. And lettering should be done such that it can be read from bottom or right hand side of the drawing sheet. Always use H pencil for all letterings. Let us select 7 mm as the height of the letter. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. So these lines indicate the width of the letter and also the distance between two letters in a single word. Now we will practice some of the English letters. Always important to practice freehand lettering, freehand writing.
kind or italic style letters should be written at 75 degrees to the horizontal. So they lean to the front side. So this is the line at 75 degrees. So all the letters should be inclined or lean towards the horizontal. So, student, here you can see from the beginning and from the end how you can draw a small letter, capital letter separately, small letter separately, capital letter, and after that you can draw in a particular height. What is the main things are important things when you start writing the letter? The main important things is height. What is the text height you decide? According to your text height, you can adjust or decide the width of the letter. Okay, what is the width? So here you can see the height of text is less, and here the height of text is more. Then the width of the text also increases, means there is a ratio between the text height and text width. Okay, so let's continue. Another important aspect of lettering is that the lettering size should be proportional to the size of the drawing. It should not be too small or too large compared to your drawing size.
So let us draw a rectangle and let us dimension this rectangle. Size of the letters for writing levels and dimensions should be comparable to the size of the drawing, not too small and not too large. Let me tell you about this amazing offer from Udemy. Right now, they're having one of their biggest sales of the year. So agar aap ghar baithe baithe bore ho gaye and you want to learn something you've always wanted to, now is the time. This size of the dimensioning is too small for this case. Writing this size will be too large. So therefore, we should select an appropriate size for each drawing. Let us practice lettering on a graph paper of 10 mm by 10 mm size.
lettering can be quite easy once you know the proportions that we follow. So please practice lettering, and it will be quite easy for you to use this practice when you are doing engineering drawing. Please note that your normal handwriting is never accepted in engineering drawing, so you should always use the standards given for engineering drawing. Okay, students, so you can see here how you can start the lettering. Okay, so here these two video is there, so I will share these video in the group also. Like